हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने इससे पहले बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, कैटायन का, एनायन का। तो आप ये अच्छे तरीके जानते हैं, कैटायन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जब कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इस मैटर पे बात नहीं करनी है, बात करनी है कि हम लोग कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयंस का। तो अक्सर होता क्या है, जो गलतियां आपसे होती हैं, पहले तो एक मेरी आदत है ना, पहले गलती बता दो, गलती करवाओ पहले, फिर उसे सुधारो, आसानी से सुधरती है। लेकिन गलती अगर आप करेंगे ही नहीं तो सुधारेंगे क्या? तो इसलिए मैं पहले गलती करता हूँ फिर सुधारता हूँ उसे। देखो कैसे क्या करता हूँ। सपोज कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मुझे लिखना है 21 का। 21 यानी कि सबसे पहले मैं 21 का कन्फिगरेशन लिखता हूँ, और 21 स्कैंडियम का होता है, स्कैंडियम का है ना। तो चलिए मैं इस स्कैंडियम का 21 से लिखना शुरू करता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। ये 21 का कन्फिगरेशन है, चेक कर लीजिए आप। अब इसमें अगर मैंने यहाँ किया स्कैंडियम के ऊपर तीन पॉजिटिव लाया, तो इसका मतलब है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपको जो नंबर इसका बड़ा होगा, यानी कि जो शेल का नंबर बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन वहां से निकालने पड़ेंगे। यानी कि पहले दो यहां से और एक यहां से, तीन। तो कन्फिगरेशन रह जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ 4s भी 0 और 3d भी 0। यानी या तो आप लिखें या ऐसे ही छोड़ दें, तब भी ये कन्फिगरेशन सही माना जाता है। इसी तरीके से हम आपको जिंक का कन्फिगरेशन, जिंक डाई पॉजिटिव का बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जिंक का लिखते हैं 1s2, 30 होता है, आपको पता होना चाहिए। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ये जिंक का कन्फिगरेशन है। आपको फिर मैं रिमाइंड करा दूं, जिस शेल का नंबर बड़ा हो इलेक्ट्रॉन वहां से डिलीट करिएगा, यानी कि 4s में से हटेंगे। तो अब हमारे पास कन्फिगरेशन, या तो आप इसे ऐसे छोड़िए, ऐसे लिख के छोड़िए, या फिर आप लिख दीजिए 3d10, 4s 0, या फिर इसे लिखिए ही मत। यानी यहाँ तक के कन्फिगरेशन को आप इंडिकेट कर सकते हैं। ये जिंक डाई पॉजिटिव का है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कैल्शियम डाई पॉजिटिव, यानी कि 20 का लिख लीजिए। मैं कुछ जंपिंग एग्जाम्पल यहाँ से उठा रहा हूँ। तो 20 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये टोटल 20, 6 4 10, दोबारा 6 18 2 20 हो गया। यानी यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन उड़ा देता हूँ, ये 0 डाल दिया मैंने। तो कहने का मेरा मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब भी आयन का लिखें तो हमेशा इलेक्ट्रॉन उस शेल से हटाइए सबसे पहले जो शेल का नंबर बड़ा हो। यानी कि अब हम एक एग्जांपल कॉपर का भी ले लेते हैं। कॉपर का कन्फिगरेशन 29 होता है, 1s2 2। जहाँ यहाँ गलतियाँ होती हैं, इसमें गलती होगी, इसमें गलती होगी, इसमें गलती होगी, तो उसको मैं ज़्यादा इंडिकेट कर रहा हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10 होता है। अब अगर कॉपर पे हमने एक पॉजिटिव लगाया तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये हटाना पड़ेगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d10 हो जाएगा। या 4s ना भी लिखिए, कोई दिक्कत वाली, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 3d10 ही लिख के काम चला लेते हैं। अगर कॉपर पे डाई पॉजिटिव आता है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s0 और 3d9 हो जाएगा। यानी ये कन्फिगरेशन कॉपर डाई पॉजिटिव का हो जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बहुत दिक्कत करते हैं। तो ये मैंने कैटायन के कन्फिगरेशन लिखे यहाँ पर। अब इसके बाद मैं आपको एनायन के कन्फिगरेशन सिखाता हूँ कि एनायन के कन्फिगरेशन कैसे लिखे जाएंगे। जैसे कि एनायन में दिक्कत नहीं आती है, मान ले जाते हैं ऑक्सीजन डाई नेगेटिव है, 8 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। कैसे? 1s2, 2s2, 2p4, ये एक्चुअल ऑक्सीजन का था, अब 2 निगेटिव हैं तो यहाँ 6 कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग क्लोरीन 17 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 होना चाहिए था 17 में, एक निगेटिव है तो यहाँ 3p6 कर देंगे। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो, जैसे नाइट्रोजन है, 3 निगेटिव लगा दीजिए, 7 होता है। 1s2, 2s2, 2p, कायदे में तो इसको 3 होना चाहिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यहाँ हो जाएगा 6। यहाँ से एक चीज़ और इंडिकेट करना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
ये माइनस और प्लस होता इसलिए क्योंकि एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और स्टेबिलिटी के लिए ही या तो कैटायन बनते हैं या एनायन बनते हैं। तो मैंने आज आपको ये बताया कि कैसे लिखा जाता है आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और ये एग्जाम में भी अरेंजमेंट आ जाता है या दे दिया जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव आयन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव, कॉपर सिंगल पॉजिटिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसको आसानी से समझें, इसको देखें और अपने दोस्तों को भी समझाएं।